की वीडियो में हम एयरपोर्ट की मार्किंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जब भी एयरपोर्ट पर गए होंगे आपने वहाँ काफ़ी मार्किंग्स और साइन बोर्ड देखे होंगे। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे ताकि आप जब भी एयरपोर्ट पर जाओ तो इन मार्किंग्स और साइन को देखकर आप समझ सकें कि इनका क्या मतलब है। इनको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एयरपोर्ट में कितने एरियाज होते हैं। एयरपोर्ट को दो एरियाज में डिवाइड किया जाता है, नॉन मूवमेंट एरिया और मूवमेंट एरिया। नॉन मूवमेंट एरिया में एयरप्लेन की पार्किंग्स होती हैं और ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एयरप्लेन की पार्किंग गेट को रेड और वाइट लाइन से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो ग्राउंड पर है और एयरप्लेन रनिंग कंडीशन में है तो विदाउट परमिशन वो इन मार्किंग्स के अंदर ना जाए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। इस पार्किंग बॉर्डर के अंदर सॉलिड येलो लाइन होती है जिसे गेट सेंटर लाइन बोलते हैं। इससे पायलट को पता चलता है कि एयरप्लेन को इसी लाइन पर रखना है ताकि एयरप्लेन ठीक से पार्क हो जाए। इस गेट सेंटर लाइन के आगे रिटर्न हैचेस होते हैं जिनमें एयरप्लेन के टाइप्स लिखे होते हैं, मतलब अगर बड़े एयरप्लेन हैं तो वो थोड़ा आगे पार्क होंगे, अगर छोटे हैं तो थोड़ा पीछे पार्क होंगे, ताकि गेटवे को एयरप्लेन के डोर से आराम से अटैच किया जा सके। अगला है गेट नंबर। इसमें डिजिट्स और नंबर्स रिटर्न होते हैं जो कि पायलट को शो करते हैं कि वो ठीक गेट पर पार्क कर रहे हैं या नहीं। देन आते हैं स्पॉट पॉइंट पर। ये वो पॉइंट होता है जहां ATC पायलट को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है कि पुशबैक और इंजन स्टार्ट के बाद आप इस स्पॉट पॉइंट पर रिपोर्ट कीजिए, जैसे स्पॉट 99। इस एरिया के अंदर अंदर छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती हैं जो वाइट कलर से पेंट होती हैं। ये सड़कें ग्राउंड क्रू के लिए होती हैं, जैसे सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ और फ्यूल ट्रक्स वगैरह। और अब है पार्किंग एरिया का लास्ट पॉइंट, स्टॉप बार और चेक राइड बार। इस बार पर पायलट को एयरप्लेन को रोकना होता है। इसको येलो और ब्लैक ब्लॉक से पेंट किया जाता है। इसके बाद नॉन मूवमेंट एरिया खत्म हो जाता है। ये लाइन जो एक तरफ से सॉलिड येलो और अगली डॉटेड येलो लाइन है, ये मूवमेंट एरिया और नॉन मूवमेंट एरिया को शो करती है। इसके बाद हम मूवमेंट एरिया में एंटर करते हैं। ये एरिया टोटली ATC हैंडल करता है और प्रोफेशनल्स ही इस एरिया में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। मूवमेंट एरिया को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, टैक्सीवेज और दूसरा रनवेज। टैक्सीवे वो रास्ते हैं जो एयरप्लेन पार्किंग एरिया को रनवे से जोड़ते हैं। टैक्सीवे के सेंटर में सॉलिड येलो लाइन होती है और किनारों पर डबल सॉलिड येलो लाइन होती है। रात के समय सेंटर लाइन पर ग्रीन लाइट और किनारों पर ब्लू लाइट्स जलती हैं। एयरपोर्ट पर काफ़ी टैक्सीवेज होते हैं, तो पायलट को कैसे पता चलता है कि वो ठीक टैक्सीवे पर है या नहीं? हर एक टैक्सीवे को एक नंबर या अल्फाबेट से इंडिकेट किया जाता है और इसके बड़े बड़े बोर्ड्स भी टैक्सीवे के साथ इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। साइन बोर्ड पर जो येलो डिजिट ब्लैक बैकग्राउंड पर है, उसका मतलब है कि एयरप्लेन उस टैक्सीवे पर है, और जो ब्लैक डिजिट येलो बैकग्राउंड पर है और साथ में एरो का निशान है, वो अगले और साथ वाले टैक्सीवेज को शो करता है। जैसे इस एग्जांपल में आपका एयरप्लेन सियरा टैक्सीवे पर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और वर्ड येलो कलर का है। इसके राइट और लेफ्ट में टैक्सीवे जूलियट है और ये एरोस उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, और राइट में आगे की ओर टैक्सीवे टेंगो है। इसके अलावा एक और टैक्सी साइन का बोर्ड होता है जिस पर करंट टैक्सीवे और साथ में रेड बैकग्राउंड पर वाइट कलर से नंबर्स और अल्फाबेट्स रिटन होते हैं। ये रनवे नंबर होता है, जैसे इसमें शो कर रहा है कि आप रनवे 3-4 राइट पर पहुंचने वाले हैं। पर रनवे पर कोई भी पायलट विदाउट परमिशन नहीं जा सकता, उसको होल्डिंग पॉइंट पर रुकना पड़ता है, क्योंकि रनवे पर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट लैंडिंग या टेक ऑफ कर रहा होगा। ये होल्डिंग पॉइंट रनवे से पहले मार्क की जाती हैं, जो कि दो सॉलिड येलो लाइंस और दो डॉटेड येलो लाइंस होती हैं। पायलट को इन लाइंस को क्रॉस करके रनवे पर जाने के लिए ATC की परमिशन की ज़रूरत होती है। इस होल्डिंग पॉइंट से पीछे टैक्सीवे के सेंटर लाइन के लेफ्ट और राइट पर भी ये डॉटेड लाइंस खींच दी जाती हैं, ताकि पायलट को पता चल सके कि वो होल्डिंग पॉइंट के नज़दीक आ रहा है। इस होल्डिंग पॉइंट से पहले एक और मार्किंग होती है जिसमें टैक्सीवे के साथ ILS लिखा होता है, और इसमें दो येलो सॉलिड लाइंस के बीच येलो कलर्स की लाइन को खींच दिया जाता है। इसका मतलब समझिए, जब वेदर खराब होता है तो पायलट लैंडिंग के लिए ILS मींस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है।